नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। दोस्तों, आजकल ये टोने टोटके वाले लोग बहुत घूम रहे हैं, जो आपका काम तो बिगाड़ते ही हैं, बल्कि ये टोने टोटके के द्वारा आपसे पैसे भी बहुत लूटते हैं। जी हाँ, हमारे जो उपाय हैं वो बहुत ही सिद्ध हैं, बहुत ही सरल हैं, बहुत ही आसान हैं, और हमारे गुरुजी ने अपनी तपस्या और लगन से इन उपायों को और इन मंत्रों को प्राप्त किया है, जो हम आपसे शेयर करते हैं आपकी समस्याओं को सुलझाने के लिए। जी हाँ दोस्तों, आजकल हमारे जीवन में बहुत समस्याएं हैं। या तो बेटा माँ बाप से रूठ गया है, दूर चला गया है, माँ बाप को पता भी नहीं है कि उसका कारण क्या है, और वो उसको याद करते रहते हैं, उसकी याद में रोते रहते हैं, लेकिन बेटा है बहुत दूर है। घर में क्लेश रहते हैं, घर में झगड़े होते रहते हैं, शांति नहीं है, अशांति फैली हुई है। जी हाँ, आप नौकरी कर रहे हैं लेकिन आपके प्रमोशन का कुछ पता नहीं, कोई तरक्की नहीं हो रही है आपकी, आप वहीं रुक गए हैं। और कोई जमीन जायदाद का चक्कर है तो कहीं आपका कोई केस चल रहा है, केस रुका हुआ है। ये सब समस्याएं आपकी हम सुलझाने के लिए आए हैं दोस्तों, ये बहुत ही सरल उपाय लेकर और सिद्ध मंत्र लेकर। आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, अगर आप किसी गलत टोने टोटके वाले के चक्कर में पड़ गए हैं और आपको लग रहा है कि आपने कोई गलत काम कर लिया है या गलत टोना टोटका कर लिया है, और आपको पता है कि आपके घर में किस व्यक्ति के ऊपर ये टोना टोटका हुआ है, तो हम उस टोने टोटके को उतारने की विधि आज आपको बताएंगे कि आप कैसे कर सकते हैं और एक ही दिन में इस प्रॉब्लम से निजात पा सकते हैं आप। तो आइए दोस्तों, हम आपको बहुत ही सरल विधि बताएंगे कैसे आप यह कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस विधि के लिए आपको लेना है एक बड़ा दिया, उसको जलाकर आपको घर के मुख्य द्वार पर रख देना है, और आपको 6 लेने हैं छोटे दिए, जो आपको जलाकर उस व्यक्ति के बेड के चारों तरफ रखना है जिस व्यक्ति पर आपको ये संदेह है कि इसके ऊपर टोटका किया गया है। 4 छोटे दिए आप उस व्यक्ति के बेड के चारों तरफ रखें, और 2 दिए आप उस कमरे के बाहर रखें जिस कमरे में वो व्यक्ति सोता है। और जब आप ये दिए जला रहे हैं और वहां रख रहे हैं, तब आपको एक मंत्र का उच्चारण करना है दोस्तों। वो मंत्र बहुत ही आवश्यक मंत्र है, जिसका उच्चारण करना बहुत ही जरूरी है। अगर आप उस मंत्र का उच्चारण करते हुए इन दियों को लगाएंगे, तो जो टोना टोटका उस व्यक्ति पर हुआ है, उसका असर इमीडिएट होगा और वो एकदम अपनी पुरानी स्थिति में लौट आएगा दोस्तों। तो मंत्र का उच्चारण करते हुए ये दिए आपको उसके बेड के चारों तरफ रखने हैं और दरवाजे पर रखने हैं, और उसके बाद आपको कपूर जलाकर उसका जो धूल है वो उस कमरे में उस व्यक्ति के चेहरे पर डालना है, और इस मंत्र का उच्चारण करते रहना है दोस्त। ये बहुत ज़रूरी है। उस मंत्र का आप उच्चारण करते रहें, कपूर जलाए रखें और ये दिए जलाए रखें। मेन दरवाजे पर एक दिया और उसके बेड के चारों तरफ 4 छोटे दिए, और 2 दिए उस दरवाजे पर जहां पर वो सो रहा है। तो दोस्तों, आपने देखा कितना सरल उपाय है किसी भी व्यक्ति को गलत टोने टोटके से बचाने का। जी हाँ, ये बहुत ही सिंपल और सरल उपाय मैंने आपको बताया, लेकिन फिर भी अगर आपको कोई भी शंका आपके दिमाग में आ रही है, या आपको कोई भी प्रश्न आपके दिमाग में आ रहा है और आप पूछना चाहते हैं, तो आप ये नीचे स्क्रीन पर आए हुए नंबर्स पर हमारे गुरुजी से किसी भी वक्त बेझिझक संपर्क कर सकते हैं और उनसे सलाह ले सकते हैं, या फिर आप उनको व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, बहुत से लोग आज हमारे इस मंत्र से और इस विधि से फायदा उठा रहे हैं। हम चाहते हैं कि आप भी इसका फायदा उठाएं और जल्द से जल्द अपनी समस्याओं से निजात पाएं। हम चाहते हैं दोस्तों कि आप सुखी रहें, स्वस्थ रहें, हमेशा खुश रहें, खुशहाल रहें। जय माता दी।